एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम रिव्यू करेंगे ग्रेट वॉल पोया 2021। तो ग्रेट वॉल एक बहुत ही प्रोमिनेंट चाइनीज ब्रांड है और चाइनीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट एसयूवी और पिकअप ट्रक मेकर है। तो यूएई में इसका सबसे पहले विंगल 6 और 7 लॉन्च हुआ था, तो अच्छा डिसेंट सक्सेस कमाई है। तो इस बार एक लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक के तौर पर इसको लेकर आए और बहुत ही ज़बरदस्त केपेबल पिकअप है और वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट फिनिश प्रोडक्ट लगा मुझे अब तक का। तो बात करेंगे इसके इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह, इसके एक्सटीरियर और सब कुछ, और इसके खास बात क्या है इस गाड़ी में। तो सबसे पहले आप हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आप हमारा कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो ग्रेट वॉल सबसे पहले चाइना में इस्टेब्लिश हुई थी 1984 में, तो तब से काफ़ी अच्छा सक्सेस है चाइना में। तो और इसका मेन एसयूवीज और पिकअप ट्रक्स मैन्युफैक्चर करता है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है चाइना में। तो स्टार्ट करेंगे इसके, बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो करंटली यूएई में इसके दो वेरिएंट लॉन्च किया है। ये पोयर हाई वेरिएंट है करंटली जो टेस्ट कार हमको मिली है, और एक प्लैटिनम वेरिएंट भी है। तो उसका बेस वेरिएंट जो हम आज रिव्यू कर रहे हैं उसका प्राइस स्टार्ट होता है 79,900, और टॉप एंड ट्रिम जो है प्लैटिनम उसका प्राइस है 89,900, जो कि थोड़े बहुत फीचर ज़्यादा उसमें आ जाते हैं आपको। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन काफ़ी ज़बरदस्त, एकदम बहुत ही अच्छा, सामने आपको एक बड़ी सी एक क्रोम ग्रिल मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बोल्ड लुक देती है गाड़ी को, और एकदम बहुत ही अच्छा रोड प्रेजेंस है, एकदम स्टांस वगैरह, बोनेट भी बहुत ही अच्छा फिनिश है और बहुत ही अच्छा स्कल्टर्ड बोनेट मिल जाता है आपको। और ये फुली LED हेडलैम्प्स है DRLs के साथ मिल जाते हैं, और इसमें आपको 18mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है जो कि ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और 27 डिग्री का इसका डिपार्चर, इसका अप्रोच एंगल है इसमें, और इसका बम्पर और बम्पर भी काफ़ी ज़बरदस्त स्पोर्टी बम्पर मिल जाता है गाड़ी में। तो बात करेंगे इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड प्रोफाइल से भी बहुत ही रॉक सॉलिड लगती है गाड़ी, एकदम बहुत ही रगेड लुक है इसका, और इसमें आपको मिल जाते हैं 18 इंच का अलॉय व्हील्स जो कि बहुत ही एकदम अच्छा प्रीमियम लुक देते हैं और बहुत ही सिंपल और सोबर है। और इसमें आपको भी ग्रेट वॉल का लोगो मिल जाता है आपको, और यहाँ पर भी ग्रेट वॉल का एक लोगो मिलता है आपको यहाँ पर छोटा सा एक स्पोर्टी फिनिश देने के लिए। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपको इसके साइड मिरर्स मिल जाते हैं, और आपको स्मार्ट कीलेस एंट्री भी मिल जाती है गाड़ी में। और मोर ओवर इसकी बात करते हैं डायमेंशन वाइज इसके, तो इसकी लेंथ है 5.4 मीटर, जो कि सेगमेंट में जो कि हाईलैक्स वगैरह फोर्ड रेंजर से थोड़ी सी लंबी है, और 1.9 का इसकी मीटर्स की विड्थ है, और 3.2 मीटर्स का इसका व्हील बेस है जो कि स्पेस वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस लेकर आता है गाड़ी में। और यहाँ पे रनिंग ये साइड लैडर जो है आपको इजी एक्सेस मिल जाता है आपको क्लाइम करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर स्पोर्ट्स बार यहाँ पर मिल जाता है आपको जो कि बहुत ही रॉक सॉलिड लुक देता है गाड़ी को, और बहुत ही अच्छा प्रीमियम फिनिश भी मिलता है गाड़ी को। तो ऑल एंड ऑल बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे। तो बात करेंगे रेयर प्रोफाइल के बारे में। तो रेयर प्रोफाइल की फिट एंड फिनिश भी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये ग्रेट वॉल मोटर्स का यहाँ पे, यहाँ पे GWM का इसका एब्रिविएशन लगाया है, और यहाँ पे भी ग्रेट वॉल का लोगो है, और पोयर जो कि जो हमारा टेस्ट कार का वेरियंट है। तो ये गाड़ी काफ़ी केपेबल गाड़ी है, और इसमें टोइंग कैपेसिटी अप टू, इसमें आपको टोइंग कैपेसिटी 3,000 kg तक की टोइंग कैपेसिटी भी मिल जाती है। और ये जो टेल गेट है इसमें आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाता है 180 डिग्री कैमरा, जो कि बहुत ही रेजोल्यूशन मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा इसका। और ये जो टेलगेट है बहुत ही लाइट टेलगेट मिल जाती है, देखिए मैं जस्ट बेयर फिंगर से भी इसको आराम से क्लोज कर सकता हूँ, तो बहुत ही लाइट टेलगेट मिल जाती है। तो बात करते हैं इसके जो इसका जो बेड है, तो इसमें आपको एक रस्ट प्रूफ कोटिंग भी मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका जो लेंथ और विड्थ है इसकी बेड की, तो 1500 मिलीमीटर्स की इसकी विड्थ और लेंथ है, और इसमें अप टू 1050 किलोग्राम्स आप आराम से कैरी कर सकते हो, अगर आप बिजनेस रिक्वायरमेंट आपके जो भी है, अगर आप कुछ सामान लेके जाना हो, शिफ्टिंग कर रहे हो आप घर वगैरह, तो आराम से आप इतना 1050 किलो तक अप टू कैरी कर सकते हो, और मुझे लगता है और भी ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि जो कि ऑफिशियल फिगर्स 1050 kg तक आप कैरी लोड कर सकते हो गाड़ी में।
तो ऑल इन ऑल बहुत ही केपेबल गाड़ी है ये। तो अभी बात करेंगे इंटीरियर्स के बारे में ग्रेट वॉल पोएर के, तो इसमें आपको सबसे पहले मिल जाता है अच्छा मटेरियल, एकदम सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है ऑन द टॉप, और फिर यहाँ पर बहुत सारे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही अच्छा काम किया है ग्रेट वॉल ने, फिट एंड फिनिश को बहुत ही अच्छा ध्यान में रख के गाड़ी को बनाया है, और अब तक का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छा, एक अच्छा रूमी सा कैबिन मिलता है, मिल जाता है आपको, और सीट्स भी बहुत ही अच्छा प्रीमियम सीट्स मिल जाते हैं इसमें, लेदर सीट्स है जो कि एकदम कम्फर्टेबल, और कुशनिंग भी बहुत ही बढ़िया की है, बहुत ही अच्छा काम किया है, और आपको इसमें मिल जाता है एक 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि आप वायर थ्रू वायर इसमें आप इसको एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो भी सपोर्ट करता है, और सेफ्टी साइड ऑफ थिंग्स आपको मिल जाते हैं इसमें, आप डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं, और ABS EBD और एंटी थेफ्ट अलार्म वगैरह इसमें स्टैंडर्ड फीचर्स मिल जाते हैं, और अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लोगे जो प्लैटिनम वेरिएंट है तो उसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, लेन की बेसिस लेन डिपार्चर वार्निंग्स और बाकी सब फीचर आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको इसमें मिल जाते हैं गियर लीवर काफ़ी अच्छा प्रीमियम है, कोई स्पोर्ट्स कार की तरह इसका गियर लीवर मिल जाता है, जो कि मुझे ऑडी कार्स में देखा, मैं ऑडीज में और एक्सपेंसिव BM वगैरह में इस तरह का गियर लीवर मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको ये स्विच है जो गाड़ी के मोड सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें तीन मोड है, स्पोर्ट्स मोड और नॉर्मल स्टैंडर्ड मोड है, और इसमें आपको इको मोड भी है जो कि फ्यूल इकोनॉमी को एनहांस करने के लिए, और स्टीयरिंग मोड भी, तीन स्टीयरिंग मोड मिल जाते हैं आपको, जो कि कंफर्ट मोड और लाइट मोड और स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स मोड में स्टीयरिंग थोड़ी सी हैवी हो जाती है और स्पोर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है गाड़ी में, तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसमें, और अगर आप टॉप एंड वेरियंट ऑप्ट करते हो तो उसमें आपको वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा, और यहाँ पर जो दो आउटलेट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर ये 12 वोल्ट सॉकेट मिल जाता है आपको, और यहाँ पर सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है आपको, और इसमें आपको हिल डिक्लाइन असिस्ट और ये ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच ऑन ऑफ के लिए है, और ये ऑफरोडिंग फीचर फोर लो, और ये बात कर, और यहाँ पर आपको पार्किंग ब्रेक भी मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और उसमें प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है, यहाँ पर आपको बड़ा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पर एक सेंट्रल कंपार्टमेंट है, और यहाँ पर भी कभी होल्स वगैरह, और यहाँ पर आराम से आप साइड पैनल्स में आप आराम से यहाँ पर स्टोरेज रख सकते हो, और हमें पैनोरमिक सनरूफ भी मिल जाता है अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो। बात करते हैं स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग काफ़ी बड़ी और चंकी फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है आपको, और उसमें पैडल शिफ्टर्स इंटीग्रेटेड मिलते हैं, ऑल्दो प्लास्टिक है लेकिन क्वालिटी ठीक ठाक लगी मुझे, लेकिन और बात करते हैं इसमें स्पीडोमीटर कंसोल जो है एकदम बेसिक सा ओडोमीटर और एनालॉग वाला मिल जाता है, अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो उसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको, और स्टीयरिंग की खास बात यह है कि बड़ी स्टीयरिंग और हैवी स्टीयरिंग का एक फायदा होता है कि आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी जबरदस्त मिलती है, और यहाँ पर ग्रेट वॉल का यहाँ पर लोगो है यहाँ पर, और ये बटन्स जो स्टीयरिंग पर जो इंटीग्रेटेड है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी लेकिन ठीक ठाक है, प्राइस के हिसाब से थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग तो देखी जा सकती है आप, और यहाँ पर क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स, यहाँ पे डोर्स वगैरह डोर पैनल्स वगैरह बहुत ही अच्छे लगे मुझे, प्रीमियमनेस अच्छा लेकर आने की कोशिश किया है ग्रेट वॉल ने, और इसमें स्टीयरिंग आपको मैनुअली एडजस्टेबल भी है, तो आप टिल्ट वगैरह कर ले सकते हो, तो अपने हिसाब से हाइट एडजस्टमेंट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी अवेलेबल है, और यहाँ पे डोर पैनल्स पे यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स वगैरह, यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पर अवेलेबल है, और ये पूरे मिरर कंट्रोल्स और ये अपना जो स्पीडोमीटर कंसोल है उसका ब्राइटनेस कंट्रोल है यहाँ पर, तो ऑल इन ऑल एक अच्छा कैबिन है गाड़ी का। तो बात करते हैं सेकेंड रो सीट्स के बारे में, तो सेकेंड रो सीट्स वेल बहुत ही ज़बरदस्त स्पेस मिल जाती है आपको सेकेंड रो सीट्स में, इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक लेगरूम देख सकते हैं, सीट मेरी हाइट पे एडजस्टेड है तो काफ़ी ज़बरदस्त लेगरूम मिल रहा है आपको, और हेडरूम की भी बहुत ही कमी बिल्कुल भी कमी नहीं है, हेडरूम भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ मैं यहाँ पर आराम से बैठा हूँ, अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे गाड़ी में, और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स भी मिल जाते हैं अगर आप छोटे बच्चों को वगैरह कैरी कर रहे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर आपको मिलता है सेकेंड रो AC वेंट्स, जो कि आजकल बहुत सारे जर्मन और जापानीज मैन्युफैक्चरर इग्नोर कर रहे हैं सेकेंड रो ACs को, लेकिन ये ग्रेट वॉल ने बहुत ही अच्छा काम किया कि सेकेंड रो ACs भी ऐड किया है इस गाड़ी में, और यहाँ पर आपको एक USB आउटलेट मिल जाता है आपको चार्जिंग वगैरह के लिए, तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा एक सेकेंड रो मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट भी मिल जाता है आपको यहाँ पर, मैं आपको अभी बताऊँगा।
तो उसमें आपको मिल जाता है 60-40 स्प्लिट भी मिल जाता है, जो कि स्पेस को अगर आप कुछ कार्गो वगैरह कैरी कर रहे हो, कुछ ज़्यादा स्टफ कैरी कर रहे हो, तो आप सीट्स को फोल्ड कर आप काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी बना सकते हो गाड़ी में। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी है स्पेस के मामले में और स्टोरेज के मामले में, और ये तो बहुत ही अच्छा लगा। और आप हिडन पॉकेट, डोर पॉकेट्स भी मिल जाते हैं यहाँ पर, सीट में पॉकेट्स मिल जाते हैं यहाँ पर भी, एक आराम से आप 1 लीटर का बॉटल स्टोरेज स्टोर कर सकते हो। चलिए एक शॉर्ट स्पिन लेते हैं ग्रेट वॉल पोयर का। तो ग्रेट वॉल पोयर का में आया था इंजन 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है, जो कि प्रोड्यूस करता है 168 bhp ऑफ पावर और 360 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो परफॉर्मेंस वाइज फिगर्स बहुत ही डिसेंट है, और गाड़ी में इनिशियल इंप्रेशन में गाड़ी उतना आपको इम्प्रेस नहीं करेगी, बट एक बार गाड़ी अगर कीप गोइंग है तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मिड रेंज इसका टॉप एंड परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, और इसकी टॉप स्पीड 170 किलोमीटर से आराम से आप क्रूज कर सकते हो, और 0 to 100 ये कर देता है अराउंड 10 to 11 सेकेंड्स में। और फ्यूल इकोनॉमी की बात करते हैं तो फ्यूल इकोनॉमी भी गाड़ी में बहुत ही अच्छी है, कि मुझे 9 to 11 किलोमीटर साइज सब कुछ गाड़ी के हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो फ्यूल इकोनॉमी भी बहुत ही अच्छी है गाड़ी में। और बात करते हैं इसके हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ही अच्छी है। स्टेयरिंग काफ़ी हैवी और बल्कि है स्टेयरिंग है, तो ड्राइविंग कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त मिल जाता है आपको हाईवे क्रूजिंग में, हायर स्पीड टॉप स्पीड पे बहुत ही अच्छा फीडबैक है। स्टेयरिंग का भी रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ही अच्छी है। और बात करते हैं इसके एमरजेंसी ब्रेकिंग करते हैं तो 60 किलोमीटर्स पे, तो आप देख सकते हैं गाड़ी स्टेबल और एकदम बहुत ही आराम से स्टॉप हो जाती है। स्टॉपिंग पावर अच्छा है गाड़ी का, ब्रेकिंग वगैरह बहुत ही अच्छी है गाड़ी में, तो ऑल इन ऑल अच्छा एक ज़बरदस्त पैकेज है। और मुझे बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का लगा है कि इसमें प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़बरदस्त है, और इसमें आपको मिल जाते हैं बहुत ही परफॉर्मेंस वाइज भी गाड़ी अच्छी है, उसका ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज सब कुछ गाड़ी में बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा पैकेज है ग्रेट वॉल पोयर। मेरा फाइनल वर्डिक्ट है ग्रेट वॉल पोयर के बारे में, तो बहुत ही अच्छी केपेबल पिकअप ट्रक है। अगर आप मार्केट में हाइलैक्स या रेंजर, फोर्ड रेंजर या फिर निसान नवारा लेना चाहते हो, तो ज़रूर इस गाड़ी को भी कंसीडर करिए या टेस्ट ड्राइव करिएगा आपके नियरेस्ट शोरूम में। बहुत ही केपेबल गाड़ी है, प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें इक्विपमेंट वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त है। तो और जानकारी के लिए आज विजिट करें इसका शोरूम। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।